तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक बिल्कुल ही नए वीडियो में, जहां आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं थॉर वर्सेस इकारिस की। एंड हम ये जानेंगे कि क्या इकारिस इतना कैपेबल है कि वो अपने गॉड ऑफ थंडर थॉर को हरा सके। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस वीडियो की डिमांड हमारे एक सब्सक्राइबर ने करी थी, और उनकी इस डिमांड को पूरा करने से पहले अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नए हो तो ज्यादा सोचो मत और जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप तक ऐसी ही अच्छी कंटेंट पहुंचती रहे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो बिना विलंब किए करते हैं प्रारंभ। तो सबसे पहले बात करें कि आखिरकार इकारिस के पास कौन से ऐसी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं जो कि उसे हम थॉर जैसे पावरफुल बींग से कंपेयर कर रहे हैं। तो इकारिस एक इटर्नल है जिसे सेलेस्टियल्स ने अपने फायदे के लिए बनाया था, और एरिसम द जज ने इकारिस और बाकी 9 इटर्नल्स को अर्थ पे भेजा था ह्यूमंस को डिविएंट से बचाने के लिए। और इन 10.5 इटर्नल्स में से इकारिस सबसे पावरफुल था। तो एक्चुअली हर इटर्नल कॉस्मिक एनर्जी का यूज करता है, और इकारिस भी इसी कॉस्मिक एनर्जी को यूज करके फ्लाई कर सकता है और अपने आई से कॉस्मिक रेज शूट कर सकता है। इसके साथ साथ ही वो सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी प्रोसेस करता है, बट वो गिलगेमेश जितना स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल नहीं है, क्योंकि गिलगेमेश सबसे स्ट्रॉन्ग इटर्नल है। इकारिस अपने पंचेस से डिविएंट्स को डिस्ट्रॉय कर पाया था और इजिली उन्हें स्पेस में ले जाकर नीचे पटक पाया था। इकारिस की कॉस्मिक रेज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि वो अपने आई से शूट कर सकता है, और डिविएंट से लेकर बिल्डिंग्स तक सबको ये कॉस्मिक रेस चीज बटर की तरह कट कर सकती है। इकारिस के पास 7000 सालों का भी एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो थीना जैसे वॉरियर इटर्नल के साथ भी फाइट कर पाया था। इकारिस जब बाकी इटर्नल्स के खिलाफ हो गया था, तब फेस्टोस ने कहा था कि इकारिस को हराने के लिए वो 5 इटर्नल्स भी काफी नहीं है, जो कि दिखाता है कि इकारिस कितना पावरफुल है। बट क्या इतनी पावर्स काफी होंगी थॉर जैसे पावरफुल बींग को हराने के लिए? तो सबसे पहले बात करें स्ट्रेंथ की, तो थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार को फिर से स्टार्ट किया, बायफ्रॉस्ट को डिस्ट्रॉय किया था थॉर 1 में अपने मियोनिर के स्ट्राइक से, हल्क को रैग्नारॉक में ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। एंड वी नो दैट हल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन देयर इज। थॉर 11 थंडर में स्टॉर्म ब्रेकर के एक ही अटैक से प्लेनेट की धज्जियां तक उड़ा दी थी, और ज्यूस जैसे पावरफुल गॉड को उसके औकात दिखा दी थी। साथ ही साथ इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर थानोस विद 6 इन्फिनिटी स्टोन्स तक को ओवर पावर करके उसकी छाती फाड़ दी थी। सुकोविया को डिस्ट्रॉय कर दिया था मियोनिर से, और मेलेकिथ फ्रॉस्ट जायंट्स और सर्टर तक को डिफीट कर दिया था। वहीं पर इकारिस ने ज्यादा से ज्यादा डिविएंट्स को ही हराया है, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया है। अब ये डिविएंट्स कितने पावरफुल थे, तो इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि अमेज़न फॉरेस्ट की फाइट में शॉटगन से नॉर्मल ह्यूमंस ने भी डिविएंट्स को डिस्ट्रॉय किया था। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो डिविएंट्स ज्यादा पावरफुल नहीं थे, एक्सेप्ट क्रो। क्रो की बात करें तो वो इकारिस को बराबर की टक्कर दे रहा था। सो थॉर इकारिस से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड अब बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो यहाँ पे भी अपने थॉर का अलग ही जलवा है। लाइक थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार की रेडिएशन तक को रेजिस्ट कर पाया था, थानोस, हल्क और हेला जैसे कैरेक्टर्स के पंचेस को सरवाइव कर पाया था, सुकोविया ब्लास्ट को भी सरवाइव किया था, और साथ ही साथ पावर स्टोन के टच को भी सरवाइव कर पाया था। बट वहीं पर बात करें इकारिस की, तो इकारिस ने भी सही ड्यूरेबिलिटी फिट शो की है, लाइक डिविएंट्स के अटैक्स को सरवाइव करना, बिल्डिंग्स के थ्रो मारने पे उसे कुछ ना होना। बट हमारे पास इकारिस की कोई भी ऐसी फिट नहीं है जो कि उसे थॉर के बराबरी का दिखाए। हाँ, मूवी के एंड में इकारिस सन में चला गया था, बट वो वहाँ पर सुसाइड करने गया था, सो इसको हम एज ए ड्यूरेबिलिटी फीट नहीं ले सकते हैं। और ये खुद कंफर्म किया था मूवी के डायरेक्टर ने कि इकारिस सन में सुसाइड करके मर गया था। बात करें स्पीड की, तो इकारिस की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, लाइक ये बंदा इजिली साउंड ऑफ स्पीड से ज्यादा फ्लाई कर सकता था। और मूवी के एंड में इकारिस अर्थ से सन तक पहुँच गया, बट उसे कितना टाइम लगा या वो कितने टाइम में वहाँ पहुँचा, उसे कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट मे बी उसकी स्पीड ऑफ साउंड से 1000 गुना ज्यादा होगी, लाइक 1000 मैक। बट ये सिर्फ एक इंटेलिजेंट गेस है और कुछ नहीं। और किसी भी फाइट में स्पीड से ज्यादा रिफ्लेक्सेस मैटर करते हैं। एंड हमने देख रखा है कि कैसे मक्कारी ने इकारिस को अपने सुपर स्पीड से परेशान कर दिया था, और इकारिस उसे बहुत ही बाद में पकड़ पाया था। बट डेफिनेटली मक्कारी उसे ज्यादा फास्ट रिफ्लेक्सेस रखती है, और इन्हीं फास्ट रिफ्लेक्सेस से उसने इकारिस को पहले बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। और मे बी मक्कारी वर्सेस इकारिस की फाइट मेरा इटर्नल्स मूवी का सबसे फेवरेट पार्ट भी था। आपका कौन सा फेवरेट पार्ट था इटर्नल्स मूवी का, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड यहीं पर इकारिस को मक्कारी ने अच्छा खासा धोया भी था। सो डेफिनेटली थॉर इकारिस से हर मामले में आगे है। बात करें स्पेशल पावर्स की, तो यहाँ इकारिस के पास लाइट और कॉस्मिक रेस प्रोड्यूस करने की पावर है, और वहीं पर थॉर के पास उसके वेपन्स है, जो कि उसे इकारिस से कई गुना ज्यादा एडवांटेज देती है। और मुझे ये डिस्क्राइब करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है कि म्योनियर और स्टॉर्म ब्रेकर कितने ज्यादा पावरफुल वेपन्स है। एंड पर्सनली
आई डोंट थिंक सो कि इकारिस की कॉस्मिक रेज थोर का घंटा कुछ बिगाड़ पाएगी। आई मीन कि तुम खुद ही ना सोचो यार, जो बंदा न्यूट्रॉन स्टार के रेज को झेल सकता है, साथ ही साथ पावर स्टोन के टच को भी सह लिया था, सो उसे इकारिस की वो कॉस्मिक रेज से थोर को क्या ही फर्क पड़ेगा। सो देखो, मैं इस वर्सेस बैटल को और भी लंबा खींच सकता हूँ, बट आई थिंक मैंने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया है और आपको भी समझ में आ गया होगा कि इकारिस तो पावरफुल है बट डेफिनेटली वो थोर के लेवल का नहीं है। मगर हाँ, इकारिस के पास 7000 सालों का एक्सपीरियंस भी है, बट आप खाली एक्सपीरियंस से तो नहीं जीत सकते ना, और वो भी तब जब तुम्हारी फाइट थोर से हो रही हो। सो देखो, ये तो था मेरा ओपिनियन कि मैं इस फाइट को किस एंगल से देखता हूँ। आपका ओपिनियन मेरे से डिफरेंट हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका ओपिनियन क्या है। एंड फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करना, एंड जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप तक ऐसे ही मजेदार वीडियोस पहुंचती रहे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।